कल का क्या पता कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म। सो दिस इज एपिसोड 2। तो आपने पहले वाले एपिसोड में देखा हम लोग कैसे आए और कहाँ से जाना है और कितना क्या खर्चा पड़ता है, एक एस्टिमेट एकदम नॉर्मल सा प्राइस बताया था। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कैसे आना है, कैसे जाना है और A to Z। तो आखिरी तक बने रहना, व्लॉग के एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर स्किप कर जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा और इतना अच्छा व्यू वो तो मिस कर जाओगे, पक्की बात है। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ आएगा पूरा कहानी, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna... So, ये है दारिंगबाड़ी का टूर और बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये दारिंगबाड़ी है कहाँ पे और इसमें जाना कैसे। तो हर कोई क्या करते हैं, दिखा जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। बहुत लोग उड़ीसा में आते हैं तो पुरी जाते हैं। अगर उड़ीसा का नाम ही बोलते हो तो एकदम से पहला जो दिमाग में आता है वो है पुरी, क्योंकि पुरी जगन्नाथ धाम है और वहीं पे सब कोई जाते हैं तीर्थ करने या फिर जो भी बोल सकते हो कि रथ यात्रा देखने के लिए। मगर ये वाला जो पोजीशन है ये थोड़ा सा ऑफ बीट है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑफ बीट जगह जाओ, ऑफ बीट जगह जाओ, जहाँ कोई एक्सप्लोर ही ना किया हो ज़्यादा लोग। तो मैं इसलिए कुछ नए जगह के एकदम तलाश में निकल पड़ा हूँ और आपको बताऊँगा कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का वेदर क्या है और यहाँ पे किस टाइम पे आना चाहिए और क्या क्या चीज़। तो मेरे साथ आगे वीडियो में कंटिन्यू करो। फिलहाल अभी तो मैं निकल पड़ा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कार के अंदर बैठा हूँ और सामने का जो नज़ारा है वो आपको कम दिख रहा होगा, क्योंकि अभी जा रहा हूँ एक ऐसे शहर के अंदर से जो कि ना मेरे को भी नाम नहीं पता, बस चले ही जा रहा हूँ। और मेरे को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ना बंगाली लिखा हुआ था, ना हिंदी लिखा हुआ था, ना ही इंग्लिश में। यहाँ पे फुल्ली उड़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और ये लोग अपने लोकल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस वजह से यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी बात है कि लाइक ये लोग जब भी अपने कुछ भी होता है ना तो बहुत अच्छे से ये लोग अपने में कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा सा रह जाते हैं। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हम लोग अगर बात करना चाहते हैं ना तो कोई हिंदी बोलता है तो कोई मान लो कि एकदम से सामने मिल जाता है तो वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर करता है, कोई बंगाली बोलता है अगर एकदम से सामने मिल जाता है तो बंगाली से ज़्यादा वो इंग्लिश प्रेफर करता है। तो ये चीज़ हम लोगों में एक अलग से टेंडेंसी आ चुकी है जो कि ना ये चीज़ होना नहीं चाहिए। अपने जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये लोग अपने लैंग्वेज में हर चीज़ जगह पे लिख के रखते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे से इनको अपने में कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प होती है। मगर कोई अगर टूरिस्ट आता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, मगर एक अच्छी बात ये भी है कि बंगाली के साथ और हिंदी के साथ इनका थोड़ा सा जुड़ा हुआ है जो लैंग्वेज, और यहाँ पे हर किसी को हिंदी लगभग आ ही जाती है। तो इससे बढ़िया और चीज़ क्या ही हो सकता है। आप भी कभी आ रहे हो तो अगर आपको और लैंग्वेज नहीं पता, अगर आपको सिर्फ हिंदी पता है तो आप आओ, इनसे बात करो, ये लोग आराम से बात करेंगे। यहाँ पे सबको हिंदी, लगभग सबको हिंदी आती है, तो कोई बात नहीं, ये तो आप यहाँ पे आओगे तो मैनेज हो जाएगा। थोड़ा सा जो ओल्ड पर्सन है उनसे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको शायद हिंदी समझ में ना आए, बट हम लोगों ने जिन से अभी तक बात किया है सबको हिंदी आती थी। जो हमारे ड्राइवर दादा थे उनके साथ तो भाई पूरे अच्छे से हम लोगों ने हिंदी में बात की, उनको तो बहुत बढ़िया हिंदी आता था। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ क्या है और सबसे बेकार चीज़ क्या है। तो अच्छा चीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे तो ए टू जेड सब कुछ अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे फैसिलिटी की कमी लगी, जो कि ना ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में, जो कि ना बहुत अच्छा चीज़ होता है। जैसे कोलकाता आ जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमेशा आपको मिलेगा क्या, हॉस्पिटल अच्छे हैं, बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया रहता है। मगर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ना बढ़िया ना घटिया, बिल्कुल नॉर्मल है। मगर इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत ज़्यादा खुश है, हद से ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करूँ, ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे है नहीं, और यहाँ का जो अभी CM है उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ना, मतलब आप रोड देख लो, रोड पे कहीं पे भी मैं इतना अंदर आ चुका हूँ हम लोग, इसके बावजूद भी रोड बिल्कुल सुनसान है और मगर रोड एक नंबर का है। हर कहीं पे भी गड्ढा नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहीं पे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर उसको अलावा तो सारे रोड बढ़िया है। और सामने का व्यू आप देख सकते हो, ऊपर बिल्कुल काले काले बादल हो रखे और साथ में हो रखा है बिल्कुल सामने पहाड़ का हल्का हल्का पहाड़ दिखा है जो कि धुएं के अंदर। और ये वाला नज़ारा अगर आप मिस कर जाओगे
तो आप मिस कर जाओगे। अरे मेरा गलती नहीं है, आप देख रहे हो इसलिए आपको मिस करने ही नहीं दूंगा। तो आप मेरे साथ हो, क्यों मैं मिस करने दूँ। बाकी आप आगे बताता हूँ कि कितने कितने पहाड़ आते हैं और कैसे दिखता है। अभी तक सफ़र का बहुत सारा टाइम जा चुका है और जाते हर जगह पे गाय और बकरी, यह हमें सबसे ज़्यादा रोड क्रॉस किया है। लाइक हम लोग अगर जा रहे थे ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनके वजह से ये स्लो करना पड़ रहा था। तो कोई बात नहीं, गांव है तो इसमें तो होगा ही। और एक चीज़ बढ़िया बात लगी कि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हरियाली है। तो यहाँ पे अगर कोई गाय भैंस और बकरी पालता है तो उसके लिए तो जन्नत है। दुनिया जानिब जितिली प्रेमर बाजी मन हुए हुकु हुकु हाए हुकु हुकु हाए हुकु हुकु हाए हुकु हुकु हाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो अभी आप लोगों ने गाना सुना वो था पूरा का पूरा उड़िया सॉन्ग, जो कि ना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को भी कोई बात नहीं है, आपके लिए सुनाना था, थोड़ा सा मैंने सुना दिया। और सामने का नज़ारा देखिए, देखिए दो पहाड़ सामने दिख रहे हैं और दोनों पहाड़ बहुत ही दूर है, मगर जो नज़ारा है ये खाली आँखों से देखने का, वो तो वहीं पे जाके आपको पता चलेगा। और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, जो कि ना आप देख सकते हो वाइपर के सामने बहुत तेज़ी से वाइपर चल रहा है। इसके वजह से अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी बाबू सॉरी। सो फिलहाल हम लोग उसी जगह पे एंटर कर चुके हैं जहाँ से पहाड़ दिखना, प्रॉपर पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है। तो हम लोग वहीं पे आ चुके हैं और ये बहरमपुर से करीब हम लोग 50 किलोमीटर ड्राइव करके आ चुके हैं। और बहरमपुर एक जगह है जहाँ पे सिर्फ स्टेशन पे आपको उतरना है, बाकी मज़ा तो देगा आपको दाड़िंगबाड़ी। दाड़िंगबाड़ी जाते हुए जब जाओगे लोकेशन पे, वो तो एक अलग से स्पॉट होगा ही। अगर यहाँ से आप देखोगे तो वो जाने का जो सफ़र तय होता है कुछ 150-200 किलोमीटर, वो सफ़र में आप देख सकते हो कि कितना मज़ा आता है जाने में। और अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है दाड़िंगबाड़ी का जो मेन जगह है वहाँ पे। उससे पहले हम लोगों ने कुछ मैप बनाया था कि इस लोकेशन पे घूमना है आज के लिए और कल के लिए, तो वहाँ पे भी चलेंगे। फिलहाल अभी गाड़ी रोक दी गई है क्योंकि हम ले रहे हैं बहुत सारे फ़ोटोज़। अभी फ़ोटोज़ के लिए हम लोग बाहर निकल चुके हैं और देख सकते हो सामने का नज़ारा। ये नज़ारा पहली बार देख के कौन ऐसे चाहेगा कि ये नज़ारा मिस हो जाए। तो हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं बाहर और लेंगे कुछ बहुत सारे फ़ोटोज़, जो अपने सामने शुरू भी हो चुका है। और ये है हमारे तन्वय भाई और उसको भी बोल रहा हूँ कि चलो फोटो सेशन शुरू करते हैं। और आज के फ़ोटो सेशन में यहाँ से लेके बिल्कुल सामने तक, और भाई बता रहे कि अगर फ़ोटो लेना है तो पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ आना चाहिए। और जो वाइट ये क्लाउड है ना, ये तो बहुत ही सही लग रहा है। बारिश हो रही थी उसके बीच में भी हम लोग रुक चुके थे और फ़ोटोज़ के लिए ये देखो। सो हम लोगों का फोटो सेशन हो चुका है कंप्लीट। तो आगे चलते हैं और आगे जाके आपको और भी नज़ारे दिखाता हूँ। इस व्लॉग के एंड तक जाओगे ना बोलोगे हमने बैठे बैठे सब कुछ देख लिया।
यार बहरमपुर ये जो जगह है ये आपने पहली बार सुना होगा, और पहली बार मैं आपको लेके जा रहा हूँ, अगर लेके जा रहा हूँ तो पहली बार आप देख रहे हो, तो पहली बार देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट में बता दो आपको कैसा लग रहा है अभी तक का सफ़र। तो आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। सो भैया जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने बताया कि हाथी दिखाएंगे। अब हाथी दिखाएंगे बोल तो रहे, मगर कब तक दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे ये तो नहीं पता। मगर आप देखो शहर का मज़ा और ये गांव का मज़ा और पहाड़ के मज़ा। यहाँ पे देखो गाड़ी कहाँ ज़्यादा नहीं चलती है, बहुत कम गाड़ियाँ चलती है, मगर जितने चलती है इनाफ है। लोगों को यहाँ का नीड इतना ही है कि बेसिक जो ये यहाँ पे जो पहाड़ है इसमें जो वन है फॉरेस्ट है इसमें से जो खाना मिलता है ये लोग यहीं के खाते हैं और यहीं पे रहते हैं। ज़्यादा इनको ट्रैवलिंग मतलब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको बस अपने रहन सहन में रहना है, अपने ही काम पे बिजी रहना है, बस इनका हो जाता है। और समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई भी टूरिस्ट ऐसे स्पॉट पे है जो लोगों को पता ही नहीं है, अगर ऐसे लोग पता चलते जाए तो इन लोगों का जो मतलब खाने का जो दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितने टूरिस्ट प्लेस बनेगा उतना बढ़िया रहेगा कि इन लोगों के थोड़े से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, और आगे आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. So we are reached तप्त पानी, और यहाँ पे गर्म पानी आता है नहाने के लिए, मतलब पता नहीं देवी का मंदिर है वहाँ पे, अंदर जाके दिखाते क्या क्या होता है, हॉट स्प्रिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अंदर चल के आपको दिखाते मंदिर का व्यू और ए टू जेड। तन मैं कुछ बोलना चाहोगे, अभी तक रास्ता कैसा लगा? रास्ता तो बहुत मस्त है, बिल्कुल आपको कश्मीर जैसे फीलिंग आएगा। मिनी कश्मीर ये बोलते हैं कि गर्म पानी है, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, हद से। हॉट स्प्रिंग नाम है तो होगा ही, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ऐसा लग रहा है गीजर का पानी निकल रहा है, इतना गर्म है, बहुत गर्म है। अभी हो चुका है देखना तप्त पानी, अभी आगे चलते हैं और आगे आपको और भी चीज़ दिखाते हैं। हमें भी इतना नहीं पता है क्या क्या चीज़ है सामने, तो ड्राइवर साहब हमें जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं। तप्त पानी से हम लोग निकल चुके थे, और तप्त पानी निकलने के बाद हम लोग बहुत रास्ता ऐसे देखते देखते आ रहे थे, और देखते देखते एकदम से सो गए थे, और जब नींद खुला तब ये ऐसे ऑफ रोड मिला, और ऑफ रोड जब मिला तब हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि अभी हम हाथी देखेंगे। ये ना ड्राइवर साहब ने हमें सबसे पहले बता दिया था कि जहाँ पर मैं ले जाऊँगा वहाँ पर हाथी दिखाऊँगा, और जब एकदम से नींद टूटा तो ऐसे ऑफ रोड दिखा तो हमने लगा कि कोई हाथी का बगान होगा, या फिर मतलब हाथी जा रहे थे ड्राइवर साहब हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। मगर थोड़ी देर में देखा नहीं, कोई हाथी का तो बात ही नहीं बोल रहे ड्राइवर साहब। फिर हम लोगों ने दोबारा क्वेश्चन किया कि भैया हम लोग हाथी देखने जा रहे हैं क्या? बोला नहीं हाथी देखने तो नहीं, मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ मेरे लिए जैसे था वह सबके लिए भी एक थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि ऐसे टूटा हुआ रोड से लेके जा रहा है, कहीं हमें कुछ गलत पलत तो नहीं कर देंगे। मगर थोड़ी देर में जाते जाते ऐसे पहाड़ देखते गए और ये सारी बातें भूल गए, देखो बिल्कुल सामने है पहाड़। और फिर हम लोग ना और आगे भी निकलते गए। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे हम लोग आए थे वो गर्म कपड़े पहन के नहीं आए थे, यहाँ पे ना एकदम से चिल्ड हो चुकी है वेदर, और वेदर चिल्ड होने की वजह से ना हम लोगों के अंदर ना वो भैया
थोड़ा सा एसी चला दो, थोड़ा सा कभी बोलते कि भैया थोड़ा सा हीटर चला दो, मतलब ऐसा सीन हो रखा था। अगर एसी चलाते हैं तो थोड़ा सा ह्यूमस कम होता है मतलब कार के अंदर, अगर और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग हीटर ऑन कर देते हैं तो वही नॉर्मल बैलेंस कर देता था। तो ऐसा करके हम लोग जा रहे थे। बाय द वे ये जो व्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ ये एक्चुअली सबसे पहले भैया बैठे हुए थे उस भैया ने शूट किया है, तो ये जितने भी फुटेज देख रहे हो उस भैया का थैंक यू जाता है, राकेश भैया। सो ये जो हम लोग आ चुके हैं, कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे, वो मेरे को पढ़ना ही नहीं आया, पता नहीं क्यों यहाँ पे ना हर चीज़ वो पहले ही बताया कि उड़ीसा में मतलब उड़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओ माई गॉड कहाँ पहुँच गए, ये तो जन्नत पे पहुँच गए। अभी आपको दिखाता हूँ, ये जगह मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत ज़्यादा देखा है, तो ये आपको दिखाता हूँ कि ये जगह है कौन सी। बहुत मस्त जगह है, आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा ये कितना मस्त जगह है और इस टाइम पे क्या मस्त हो रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कसाड़ा वाटरफॉल और आगे जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसा है, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, पहाड़ है, वाटरफॉल भी है और अभी बारिश बहुत हो रही है तो मिट्टी जैसा पानी है। सो दिस इज द व्यू जो कि वर्थ इट है। तो चलते हैं, आपको आगे तक जाके दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे भी चलेंगे जाके दिखाते हैं। मानसून के समय है तो पानी हो चुका है बिल्कुल मिट्टी वाला पानी, तो मिट्टी वाला पानी होने की वजह से ये पानी का कलर बहुत ही बिगड़ चुका है और हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा नहाएंगे मगर ऐसे पानी में हरगिज़ नहीं। तो बाकी ये है कि हम लोगों ने जो वाटरफॉल देखा था गूगल पे नेट पे, वो वाटरफॉल हमें लगा नहीं क्योंकि वो वाटरफॉल बहुत ऊपर से पानी आ रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर छानबीन किया और उसके बाद पता चला हम लोग वो वाटरफॉल पे आए ही नहीं है। जो वाटरफॉल जो हम लोगों ने नेट पे देखा था, गूगल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, तो हम लोग किसी दूसरे वाटरफॉल पे आ गए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि ड्राइवर सबसे हमने फिर से पूछा और उन्होंने फिर से बताया कि हाँ ये दूसरा ही वाटरफॉल है और जो असली वाला वाटरफॉल है जिसके लिए हम लोग इतने दूर आए वो वाला वाटरफॉल तो ये है ही नहीं। और इसमें देख सकते हो कितना गंदा पानी निकल के आ रहा है क्योंकि ये पहाड़ से धो के ये सारे पानी आके आ रहा है, तो पहाड़ में सोच सकते हो कितना बारिश हो रहा होगा बिल्कुल ऊपर में और उसमें जितने भी गंदगी है वो गंदगी को ये ऊपर से लेके आ रहा है नीचे तक और फिर बह के जा रहा है दोबारा नदियों में। बाकी ये है यहाँ का व्यू और वो जो सामने दिख रहा होगा आपको वो ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ पे वो मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर में जाना पड़ता है मगर इस टाइम पे इतना ज़्यादा पानी हो चुका है तो कैसे उस पार जाते हैं आई डोंट नो। मगर वहाँ पे एक मेरे को डॉगी दिखा तो वो डॉगी यहाँ से शायद कहीं से गया होगा, ऊपर से रास्ता भी होगा फिर जाके उस मंदिर के वहाँ पे रुका होगा क्योंकि इस पार से कैमरे में तो दिख नहीं रहा था। अब उनका जो ये सफ़र है बहुत बढ़िया जा रहा है अभी तक, तो ये सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला है कैसे एक साथ रहना है, कैसे एक साथ चलना है। बाकी इस टाइम पे आना भी नहीं चाहिए, ये भी एक अच्छा चीज़ है क्योंकि मानसून के टाइम पे देख सकते हो जो इसका कलर है वो कलर भी चेंज हो चुका है बिल्कुल। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये वीडियो हो चुकी बहुत लेंथी और इसके बाद भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना और हो सके तो शेयर कर देना प्लीज़, इतना तो आपसे बोल ही सकता हूँ ना, या आप मेरा फैमिली बन चुके हैं तो आप सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करता हूँ और आप थोड़ा सा सिनेमेटिक देख लो, तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे।
जानिए मता तेरे नाल रहना मन इन मेरे कहना मेरी आखियों से हो ना कभी दूर ना तेरे बिन तेरे बिन तेरी संग संग रह के मैं रंग जाऊं।